महाराष्ट्र आज पहली बार हम वापस बहुत शुक्रगुजार हैं, हम वापस बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोग यहाँ से हटिए, ना से हटिए, 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 मैं नहीं बोलूंगा, हटिए हटिए, नहीं बोलूंगा मैं, हटिए आप लोग साइड में। पहली बार मित्रों मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तीसरी बार उच्चतम न्यायालय ने अर्जेंसी का अवलोकन करके छुट्टी में हमारी लंबी छुट्टियों के दौरान इतने अल्प समय में बैठे। दूसरी बात कि हमारा पूरा उद्देश्य था एक ही उद्देश्य था कि बहुत पारदर्शी रूप से ये विश्वास मत हो, जब तक पारदर्शिता के सभी आयाम इसमें नहीं होंगे निहित, तब तक संदेह होगा, तब तक संवैधानिक स्वच्छता नहीं आएगी। यही हमारा मूल उद्देश्य था इस अर्जी में। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो चार पांच विभिन्न दरखास्तें थी वो सभी एक ही बात में समाविष्ट हो गई। वो एक बात थी जो हमारी दलीलें सुनकर स्वतः राज्यपाल के वकील श्री मेहता ने जब कह दिया कि हम लाइव फीड करेंगे या लाइव फीड देंगे पूरी प्रक्रिया के विश्वास मत की प्रक्रिया का, तो उससे हमारा पूरा पारदर्शिता का आयाम स्थापित हो गया। इसलिए और किसी प्रेयर को दरखास्त को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वीडियोग्राफी वाली जो बात थी वो लाइव फीड से पूर्ण हो जाती है। जहां तक और चीजों का सवाल है वो प्रश्न अब कम उठता है, नहीं उठता है, क्योंकि अगर लाइव फीड सब लोकल चैनल में होगी तो जो है दूध का दूध पानी का पानी आप लोगों के सामने होगा। तीसरा पहलू हम चाहेंगे कि अभी आज बिल्कुल किसी भी कानून व्यवस्था के विपरीत ऐसा कोई काम न हो, स्वच्छता गंभीरता और स्थिरता के साथ ये विश्वास मत हो, और गणतंत्र के जो गौरवशाली आयाम है जिसके अंतर्गत अंतिम विजय होती है गणतंत्र की, हमको अंतिम विजय गणतंत्र की करनी है। मुझे कोई राजनीतिक रूप से आखिरी मुद्दा राजनीतिक रूप से मुझे कोई संदेह नहीं है, और मैं अब कानूनी बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक रूप से मुझे कोई संदेह नहीं है कि एक तरफ तो कांग्रेस जेडीएस की विजय 100% पक्की है, लेकिन दूसरी बात मैं समझता हूँ कल से ही बीजेपी को अपनी हार का कन्विक्शन है, विश्वास है, और इसीलिए हर प्रकार से चीजें हो रही हैं। आज जैसा मैंने कहा अंतिम निर्णय हमारे स्टैंड को स्थापित करेगा। सर आपकी डिमांड फ्रेंड्स इफ यू स्पीक आई विल नॉट एनी वे फ्रेंड्स लेट मी मेक इट क्लियर द फर्स्ट एंड बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन वॉज टू एस्टैब्लिश ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स फॉर ए ट्रस्ट वोट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स सो दैट देर इज नो डाउट देर इज। तो कुल मिलाकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने भी वही बातें दोहराई जो कि महेश गुप्ता बता रहे थे, जो अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं कि, और एक और अपडेट इस वक्त आ रहा है कि दो विधायक आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा पाटिल जिनकी चर्चा बहुत दिनों से हो रही है वो अब तक एब्सेंट हैं। कुल मिलाकर के दो एब्सेंट हैं और छह विधायकों के समर्थन की और दरकार होगी। दो विधायक अब तक कर्नाटक विधानसभा में शपथ लेने नहीं पहुंचे हुए हैं और उनकी कॉल हुई है, ऐसा नहीं कि उनकी कॉल नहीं हुई है, बेल बजाई गई थी। आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा पाटिल ये नहीं पहुंचे हैं, इन दो को माइनस कर दिया जाए तो यहां से बहुमत का आंकड़ा 110 पहुंच जाता है और छह और विधायकों की दरकार होगी। तो यानी कि अब सारी प्रोसीडिंग जो है वो कर्नाटक विधानसभा में ही जिस पर नजर आएगी। दो नहीं पहुंचे, प्रताप गौड़ा पाटिल, आनंद सिंह। अगर आपको याद हो जब चुनाव हो रहे थे तो सिद्धरमैया ने बात की थी, सिद्धरमैया के ऊपर ये हुबलो की घड़ी, 16 लाख की घड़ी का जो वो हुआ था कि भी 16 लाख की घड़ी पहनते हैं, उस घड़ी में अब उल्टी गिनती मेरे को लगता है शुरू हो गई है। दो विधायक नहीं पहुंचे हैं और अभी छह आपने जैसे कहा चाहिए, छह जरूर है, तो अभी अब छह और चाहिए, तो इसमें अब मेरे ख्याल से द बॉल इज इन प्ले। अब देखना यह कि वो छक्का पड़ता है या बोल्ड होते हैं या कैच होते हैं, हवा में है बॉल, छह
छह यहाँ पर छह की दरकार है। आशीष सोत यहाँ पर छक्का पड़ता है या फिर बोल्ड होते हैं, क्योंकि दो तो ठीक अब तक एब्सेंट है जिनका जिक्र किया जा रहा है। बॉल जो अभी बेल जब बताई गई तो अनंत सिंह भी नहीं पहुंचे, प्रताप गौड़ा पाटिल भी नहीं, लेकिन छह अभी और दरकार है। आशीष सूद आवाज पहुंची आप तक, छह अभी और दरकार है, दो एब्सेंट है कांग्रेस की तरफ से, क्या यही प्लान था? और कोई प्लान हो नहीं सकता ना, एंटी डिफेक्शन लागू हो जाएगा, सब चीजें बताएगा। और कांग्रेस ने तो सब चीज पल्ले में बांध के रखी थी, अब तक तो जीपीएस चिप भी लगवा चुके होंगे कांग्रेस के लोग, इसलिए इसका जवाब तो बेहतर कांग्रेस के लोग ही देंगे। पर ये स्थिति क्यों आई? पहले दिन से अपने साथ पल्लू में बांध कर चल रहे थे सर। ये स्थिति इसलिए आई कि कांग्रेस ने अपनी लिजिटिमेट हार को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने, जेडीएस ने कांग्रेस के खिलाफ मत मांगा था कर्नाटक की जनता से। कांग्रेस को जिन परंपराओं की आप बात कर रहे थे, दिनेश जी बात सुनिए, आपने प्रश्न पूछा है, बात सुनिए पूरी, आप पूरी बात सुनिए दिनेश जी। तो कांग्रेस को बड़ा मन करके बाहर बैठना चाहिए था, कहना चाहिए था स्वस्थ देश के अंदर सब कुछ स्वस्थ करने का काम केवल हमारा है क्या? तो बाकी दल सब कुछ अस्वस्थ करेंगे और हम स्वस्थ करेंगे। बिल्कुल सही है आप, नहीं, बात चलो मान भी नहीं। आपका काम सिर्फ दुनिया को अस्वस्थ करना है और आप वो बखूबी निभा रहे हैं। आपने देश की स्थिति खराब कर दी है, सबको अस्वस्थ कर दिया है। यही आपको तो राहुल जी की पाकिस्तान वाली फील आनी शुरू हो गई होगी अभी से। नहीं नहीं, पाकिस्तान वाली तो आपने 10 बार उठाई है सर, अभी तो सिर्फ आंकड़ों की बात हो रही है। चिंता ना करो, अभी दिल्ली बहुत दूर है। बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी जो कि लगातार 116 की बात करती रही सर, दो पहुंचे नहीं है आपके विधायक, चिंता आपको होनी चाहिए शर्मा जी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बहुमत पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पहुंच जाएंगे, चिंता ना करें। ये कितने भी हथकंडे बीजेपी वाले अपना लें, ये सरकार नहीं बना पाएंगे। इन्होंने जो गोरख धंधा करने लग कर चुके हैं, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, भूखे नहीं है आप लोग, हंगरी हो, भूखे नहीं है, जनता ने हमें मैंडेट दिया है उसका सम्मान करते हैं, अपने हक को यहाँ प्रस्थापित करने के लिए आए हैं। कर्नाटक की जनता देखे, जो लोग देख रही है, ये कुमार स्वामी देख रही है, घड़ी पहनी है 70 लाख की, देश की जनता देख रही है सूट साहब कि आप सत्ता के कितने भूखे हैं। आज ये स्थिति जो पैदा की है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के द्वारा ये हो रहा है कि राहुल जी की तरह दो तीन डायलॉग पे अड़े मत रहो, शर्मिंदा है कुछ तो सब देश की बात करो, शर्मिंदा हो रहा है। राहुल जी की तरह बस दो ही सेंटेंस पे अड़े हुआ आप पूरे डिबेट में। 2 बजे तक डोर खुलवाए जाते हैं, कुमारस्वामी भी सबसे पहला गठबंधन करने के बाद वक्तव्य देते हैं, मुझे सत्ता नहीं। सर, स्वोन एनिमीज जब एक साथ आ सकते हैं सत्ता के लिए तो कुछ भी हो सकता है सत्ता के लिए। अरे तो आप बिहार में देखिए ना, नीतीश कुमार तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं ना, वहाँ पे इनको याद नहीं है, वहाँ पे एब्डक्शन ऑफ पावर एंड साइजर ऑफ पावर ऑफ मैंडेट ऑफ पावर मैंडेट ऑफ द बिहार पीपल हैज बीन डन। इससे आपको आने वाले दिनों में सरकार चलाने में मुश्किलें आएंगी, आप इसको सोचिए। आप कांग्रेस आजादी के बाद से अब तक तय नहीं हो रही होती, नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के अब तक, अगर मोरालिटी में ऐसे सब राजनीति चलती होती, सचिन हम भी जानते हैं राजनीति की हकीकत क्या है। ठीक है, परंपरा वो गलत है, लेकिन उस राजनीति की हकीकत क्या है, क्या नजीर सेट हो रही है सर? परंपराओं में कांग्रेस भी शामिल है, हम तो उसके सबसे बड़े मुद्दोगी है। बिहार की हमारी सरकार गिरा दी, जनता ये चाहती होगी कि इस तरीके से मेरे चुने हुए असेंबली के जो विधायक है वो ऐसे आए, बारे में खरीद फरोख की बात हो रही होगी, वो भी नहीं बात है, शर्म की बात है। वो आज बैठ करके क्या देख रहे होंगे, बोली लग रही है। मैंने शुरू में ही कहा ना कि जनता में राजनीति की धारणा गलत बन जाए, के प्रति धारणा गलत बन जाए। बीजेपी के आने के बाद सेंट्रल में जनता अपने को थका सा महसूस कर रही है।